वेलकम टू हिमानी कोचिंग सेंटर वी आर कमिटेड टू concepts and एंड confidence कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल students हु आर watching our videos. सो so फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने इससे पहले हाउ टू फाइंड square रूट्स एंड क्यूब रूट्स इन 30 seconds देखा है तो उसी सीरीज में आज हम बड़े नंबर्स की बात करेंगे यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कृपया वह वीडियो देखने के पश्चात ही इस वीडियो को देखें वह आपके लिए बेहतर रहेगा तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बड़े नंबर्स का स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं उसको बोला जाता है डिजिट सम डिजिट सम मतलब हम एक डिजिट लेंगे और उसमें एक नंबर लेंगे और उसमें जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे पर हमें यह ध्यान रखना है कि यदि उस डिजिट में नौ आ रहा है उस नौ को हम जीरो कंसीडर करेंगे ओके सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेटर से मैं ये डालता हूं नंबर एक सौ 127. यदि हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे आप देखेंगे 1 प्लस टू प्लस सेवन इज टेन सो 1 प्लस 0 1. So, हम कहेंगे इस नंबर का डिजिट सम एक है इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते थे भाई 2 और 7 इज 9. जिसको मैं बोल रहा हूं कि 0 है तो हम इसे एक मानेंगे ओके okay? यदि मैं आपको 127 स्क्वायर स्क्वेयर का डिजिट सम करने को बोलूंगा तो भी हम इसी प्रकार से करेंगे हम कहेंगे 127 इसका डिजिट सम है 1 और उसका स्क्वेयर होगा 1 ओके सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और यदि आप हमारा पहला वाला वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने यह बताया था कि कैसे हम बहुत फास्ट तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमने यह डिस्कस किया था कि एक से लेके हमने नौ तक की संख्याएं ली थी और हमने उनका स्क्वायर किया था सो यदि यह n है और इसका मैं स्क्वायर करता हूं जिसे n स्क्वायर बोला जाएगा तो वन स्क्वायर इज वन दो का स्क्वायर चार होगा तीन का स्क्वायर नौ होगा चार का स्क्वायर सोलह होगा पांच का पच्चीस छत्तीस फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर और एटी वन तो इस हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और थोड़ा सा इसमें एक एंगल नया ऐड करेंगे जिसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप छह डिजिट सात डिजिट आठ डिजिट के नंबर का स्क्वायर आराम से कर सकेंगे सो लेटस ट्राई वन क्वेश्चन तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है सिक्सटी नाइन टू 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 फोर का सो so, यह है डिजिट का नंबर है यह मेथड आपको पांच से 6 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा तो इसमें हमें क्या करना है हमें राइट साइड से पेयरिंग करनी है तो एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये और एक पेयर ये अब हमें यूनिट डिजिट को देख के यह देखना है कि कौन से दो नंबर गुणा करने पे स्वयं से हमें चार देते हैं सो तो यदि आप देखेंगे तो दो गुणा दो चार दो का स्क्वायर चार होता है और आठ का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट में चार आता है ठीक है हमें यही देखना है तो हम क्योंकि यह छह डिजिट का नंबर है तो इसका स्क्वेयर रूट तीन डिजिट का होना चाहिए कायदे से so, अब हमने यह डिसाइड कर लिया कि इसकी यूनिट डिजिट में या तो दो आएगा या आठ आएगा ठीक है अब हम जाते हैं सिक्सटी नाइन की तरफ अब हमें क्या करना है इन्हीं टेबल से हमें यह देखना है वह नंबर जिसको जिसका स्क्वायर 69 से जस्ट छोटा है सो so, आप देखेंगे 8 इंटू एट इज 64 और 9 इंटू नाइन इज 81, वन so, सो हमें 8 को फाइनल करना है तो हम कहेंगे कि 100 डिजिट में 8 आना चाहिए अब जैसे ही 8 आया इसको हम मान लेते हैं L, अपनी यू you नो know, एक प्रोसेस बनाने के लिए इसे हम एल मान लेते हैं हम कहेंगे भाई एल है आठ अब इस एल को हम स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा उसको आप रखिए 69 के नीचे और घटा दीजिए सो सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटी फाइव आता है अब आपने क्या करना है जो ये बीच वाली है संख्या उसका पहला नंबर नीचे उतार दीजिए जो हम जनरली भाग करते हुए करते हैं अब हमारे पास आ गया एक नंबर 52। अब हमें क्या करना है हम रखेंगे टू टाइम्स एल टाइम्स एम जिसमें हमें पता है एल है आठ सो दो गुणा आठ एम माने सोलह एम नाउ एम हमें वो संख्या ढूंढनी है जो सोलह से गुणा करने पे बावन से छोटा नंबर दे अब आप देखिए 16 टिया अड़तालीस सिक्सटीन थ्रीजा फोर्टी एट यह नंबर फिफ्टी टू से छोटा है और हम अगर देखें 16 चौका सिक्सटी फोर जो कि फिफ्टी टू से बड़ा है तो हमें यह नंबर को लेना है अब हमको मिल गया एट थर्टी टू और एट थर्टी एट ओके एक बार इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने राइट right साइड से पेयरिंग करी यूनिट डिजिट देख के यूनिट डिजिट डिसाइड किया कि कौन सा नंबर का स्क्वायर हमें चार देगा उसमें दो नंबर मिल गए हमें दो और आठ फिर हम इस नंबर पे आए और हमने चेक किया कौन सा नंबर का स्क्वायर उनहत्तर से जस्ट छोटा है हमें वह नंबर आठ मिला जिसे हम एल मान लेते हैं फिर हम आठ का स्क्वायर को उनहत्तर से घटाते हैं हमें पांच हासिल होता है और हम इस संख्या से पहला डिजिट नीचे उतारते हैं जो है बनता है बावन अब हम रखते हैं टू एल एम जिसमें हम कह रहे हैं दो गुणा आठ सोलह सोलह टाइम्स एम अब हम एम ढूंढ रहे हैं जो हमें मिला तीन कैसे मिला हमने यह देखना है कि 16 से कौन सा नंबर गणा करने पे बावन से जस्ट छोटा नंबर मिलेगा ओके मैंने दो नहीं लिया 16 दूनी बत्तीस इससे छोटा है मुझे जस्ट छोटा चाहिए इसीलिए हमने चेक भी कर लिया कि 16 चौका चौसठ तो हम समझ गए कि ये नंबर सही है अब देखिए हमें अब वह सम कौन सा हमारा स्क्वेयर रूट है यह जानने के लिए हमें क्या करना है हमें डिजिट सम चाहिए So, अब हम डिजिट सम लेते हैं डिजिट सम इस नंबर का मैंने आपको पहले ही कहा नौ को हम जीरो कंसीडर करेंगे तो इस नौ को मैं छोड़ सकता हूं छह जमा दो आठ जमा दो ओके मैं लिख ही देता हूं छो जमा दो, जमाँ दो, जमाँ दो, जमा 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 चार सो so, और दो आठ दो दस दो बारह चार सोलह और एक जमा छे सात इसका मतलब क्या हुआ इस संख्या का डिजिट सम सात है अब देखिए हमको क्या करना है हमारे को यह देखना है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में से किसका आंसर यह नंबर होगा तो अब हमें चलिए हम देखते हैं 832 का स्क्वायर का डिजिट सम अब देखिए क्या होगा आठ और तीन ग्यारह और दो तेरह स्क्वायर तेरह क्या है एक और तीन चार हमें एक डिजिट तक आना है और चार चौका सोलह एक और छह सात सो इसका मतलब क्या हुआ इस संख्या का स्क्वायर रूट है आठ सौ बत्तीस एक बार समझने के लिए हम आठ सौ अठतीस का डिजिट सम भी देखेंगे और देखिए आठ और तीन ग्यारह और आठ उन्नीस स्क्वायर अब आप चाहें तो नौ और एक दस करके उसको एक लिख सकते हैं या नौ को जीरो कंसीडर करिए तो इसका डिजिट सम एक है तो यह इसका स्क्वायर रूट नहीं है ठीक है यह तरीका यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं पांच या छह डिजिट का यह मैंने आपको तरीका समझा दिया अब आइए हम इसमें और दूसरा नंबर करते हैं और उसे थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मैं ये आपको समझा रहा था अब इसको हम थोड़े से समझने के बाद फास्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो अब हमारे को मालूम करना है स्क्वेयर रूट ऑफ वन जीरो थ्री जीरो फोर वन ओके सो तरीका हमारा वही है हमने पेयरिंग करी इससे इस, इस यूनिट डिजिट से हमें यह पता चल गया कि इस नंबर में या तो एक आएगा या नौ आएगा क्योंकि देखिए नौ निम्मा इक्यासी यहां पे हमें एक मिलता है एक से हमें एक मिलता है दस जो है देखिए तीन का स्क्वायर है नौ चार का स्क्वायर है सोलह तो इसका मतलब इसकी जगह मुझे यहां तीन चाहिए और यहां भी तीन चाहिए सो अब हमने यह डिसाइड कर लिया कि भैया हमारा एल है थ्री अब देखिए तीन स्क्वायर का होता है नाइन दस में से नौ गया एक अब हमारे पास आ गया तेरा अब हमने क्या करना है टू एल एम दैट मींस दो तिया छुणा एम ऐसा नंबर जो तेरह से छोटा होना चाहिए ऐसा नंबर जो तेरा से छोटा होना चाहिए सो दो तिया छह छे दुनी बारह यस एम को मैं कह रहा हूं कि शायद दो हो सकता है अब आप ये कंफर्म भी कर लीजिए कि छे तिया अठारह जो कि तेरा से बड़ा है तो अब हमको यह समझ आ गया कि इस को यदि एम मेरा दो है यह नंबर इससे कम है तो यहां हमने इसे रख दिया अब हमें यह देखना है कि 321 और तीन में से कौन सा नंबर इसका स्क्वेयर रूट है तो आइए हम जल्दी से डिजिट सम को प्राप्त करते हैं सो so, यह नंबर का डिजिट सम है एक जमा तीन चार चार और चार आठ आठ और एक नौ और मैंने आपको क्या बोला था नौ को हम कंसीडर करेंगे जीरो सो so, इसका डिजिट सम जीरो है अब हमें क्या चेक करना है इन दोनों के स्क्वेयर का डिजिट सम तो आइए उसको चेक करते हैं सो थ्री ट्वेंटी वन सो तीन और दो पांच पांच और एक छे और छ का स्क्वायर होता है छत्तीस तीन जमा नौ, जो कि है जीरो सो so, इसका मतलब थ्री ट्वेंटी वन इस नंबर का स्क्वायर रूट है सो so, आप समझ गए होंगे कि हम कितनी फास्ट यह कर पाते हैं जस्ट इसको यू you नो know, समझने के लिए इसका डिजिट सम देखिए हमें आंसर तो मिल गया लेकिन सिर्फ लॉजिक को आगे बढ़ाने के लिए हम यह समझ लेते हैं कि अगर मुझे इसका डिजिट सम चाहिए तीन सौ का सो तीन जमा दो पांच नौ को तो मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं सो पांच का स्क्वायर होता है पच्चीस सो दो और पांच सात सो इस थ्री ट्वेंटी नाइन स्क्वेयर का डिजिट सम साथ हुआ जबकि हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था जीरो सो यह है इसका स्क्वायर रूट नहीं है ठीक है अब मुझे लगता है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हम कैसे पांच या छह डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट बहुत फास्ट तरीके से पता कर सकते हैं मैं सिर्फ आपके लिए एक या दो क्वेश्चन लगता हूं जिनको मैं चाहूंगा कि आप स्वयं से प्रयास करें जिससे आपको यह मेथड समझने में आसानी हो जाएगी तो मैं आपके लिए यह दो क्वेश्चन यहां रख रहा हूं यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं क्योंकि हम हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे कि हमारे चैनल द्वारा जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनके जीवन में मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान बहुत ही सुगम तरीके से हो पाए सो so, पहला क्वेश्चन आप फाइंड कीजिएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट और दूसरा क्वेश्चन मैं डाल देता हूं जिसको आप कर सकते हैं सॉल्व 804609. जीरो so, सो आपसे एक बार फिर से इल्तिजा है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क में शेयर करें ताकि जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इस चैनल के माध्यम से नई चीजें सीख सकें और अपने जीवन में सफल बने धन्यवाद